हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लिट्टी की रेसिपी लेकर आई हूँ, पर ये लिट्टी फ्राई लिट्टी होगी। इसे कहीं कहीं बाटी कहते हैं, कहीं कहीं लिट्टी कहते हैं। तो आज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बनाना आसान है। चलिए हम फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं। लिट्टी का स्टफिंग बनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम सत्तू। खड़े मसाले में हमने लिया है लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्च। यहाँ पे हमने स्वाद के अनुसार नमक ले लेना है। मेन इंग्रेडिएंट्स है अचार का मसाला और सरसों का तेल। यहाँ पे कुछ ड्राई मसाला है, जिसमें है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हल्दी हमें बिल्कुल लाइट लेना है, अजवाइन, मंगरेल और थोड़ा खट्टा बनाने के लिए हम नींबू का रस डालेंगे। या तो आप अचार का क्वांटिटी बढ़ा दीजिए या अमचूर पाउडर डाल लीजिए। तो हम यहाँ पे नींबू यूज कर रहे हैं। चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खड़े मसाले को मिक्सर जार में क्रश कर लेंगे। ध्यान रहे, हमें पीसना नहीं है, इसे क्रश करना है। तो हम क्रश कैसे करेंगे, झिक झक करके इसे पीस लेंगे तो ये क्रश हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ पीस के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने लहसुन अदरक मिर्च को ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया है, जस्ट इसे क्रश किया है। आप चाहें तो चाकू से काट लीजिए बारीक बारीक, या हैंड ब्लेंडर से कट कर लीजिए। अब चलिए हम स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक बड़ा सा बॉल ले लिया है, उस पर हम झरने रख लेंगे और उसमें अपना सत्तू डाल देंगे। तो सत्तू को हम रोस्टेड चना फ्लोर भी बोल सकते हैं, या तो इसे आप रोस्टेड चना को मिक्सर जार में पीस लीजिए तो सत्तू तैयार हो जाएगा। अभी तो हर मार्केट में अवेलेबल है, तो इसे हम छान लेंगे, जिससे कि इसमें कुछ भी कचरा हो तो निकल जाएगा। हमने सत्तू को छान लिया है। अब हम यहाँ पे लिए हैं 1 चम्मच अजवाइन, आधी चम्मच मंगरेल, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और मिर्च, तो इसे हम डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपना क्रश किया हुआ अदरक लहसुन। तो यहाँ पे हम 2 से 2.5 चम्मच डाल सकते हैं 200 ग्राम सत्तू में। आप अपने तीखापन के अनुसार डालिए। अब हमने यहाँ पे जो अचार का मसाला लिया है उसे डाल देंगे। ये भी बहुत ज़रूरी होता है लिट्टी में। साथ में इसमें सरसों का तेल का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है, तो 2 से 3 टेबल स्पून आप इसमें तेल डालिए। अब हम फाइनली डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। तो ये जो अपनी लिट्टी है वो 3 से 4 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। या तो आप ट्रेन का सफ़र करें या स्नैक्स के लिए बनाएं, तो भी 2-3 दिन आराम से आप खा सकते हैं। चलिए हम सत्तू मिक्स करके आपको दिखाते हैं। सत्तू को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो नींबू हमने लिया था उसका रस निचोड़ लेंगे। तो हम हाथ को ही फिल्टर बना के ऐसे निचोड़ सकते हैं। ऐसे नींबू को डालेंगे और बीज को ऊपर ले लेंगे। आपकी बड़ी नींबू है तो आधी डालिए, छोटी है तो पूरा नींबू डाल दीजिए और हम रस निकाल लेंगे। अब हम हाथों से नींबू के रस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी मसाला तैयार होता है, यानी कि हमारी लिट्टी की स्टफिंग। इसे एक बार टेस्ट करके हम नमक स्वाद के अनुसार और एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे फाइनल हमारा सत्तू का स्टफिंग तैयार है। चलिए हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 500 ग्राम गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच नमक, 1 चम्मच हम अजवाइन डाल लेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और इसमें हम डालेंगे ढेर सारा तेल, क्योंकि हम ये फ्राई लिट्टी बना रहे हैं तो आटा मोइन वाली होनी चाहिए। अब हम सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके और इसे एक हार्ड डो बना लेंगे। ज़्यादा हार्ड भी नहीं, यानी कि हम कचौड़ी का जो डो बनाते हैं उसी टाइप से आटा तैयार करेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और एक डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार होने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी डो तैयार हो गई है। जैसे कि हमने बोला था कि नहीं हमें ज़्यादा हार्ड बनाना है, नहीं ज़्यादा सॉफ्ट, तो ये हमारा मीडियम आटा तैयार है। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा ऐसे पार्ट ले लेंगे और इसकी लोई काट लेंगे। तो आपको बड़ी लिट्टी बनानी है तो बड़ा लोई काटिए, और छोटी बनानी है तो ऐसे छोटे छोटे काट लीजिए। हम मीडियम साइज का कर रहे हैं। अब हम एक लोई को लेंगे और ऐसे मसलते हुए चिकना कर लेंगे। और जैसे कि हम ये अंगूठे और अंगुली की मदद से एक कटोरी बनाते हैं, वैसे कटोरी तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने लोई से कटोरी तैयार कर ली है। अब हम इसमें से 1 से 2 चम्मच स्टफिंग लेंगे, क्योंकि ये अपनी सत्तू की स्टफिंग बहुत टेस्टी तैयार हुई है, चटपटी है। और अंगूठे से प्रेस करते हुए हम आटों को ज्वाइंट करेंगे। एक बार ध्यान से आप देख लीजिए, ऐसे हम सभी मुंह को ज्वाइंट करेंगे। जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे प्रेस करके हम दबा देंगे। और हम जो आटा इकट्ठा किए हैं उसके ऊपर ये थोड़ा सा पार्ट बचा है, तो इसको हम ऐसे घुमाते हुए तोड़ लेंगे तो अपनी लिट्टी कढ़ाई में फूटेगी नहीं, वो आटा हम किसी और लिट्टी में यूज कर लेंगे। तो आप देखिए कितनी बढ़िया अपनी लिट्टी तैयार हुई है। ऐसे ही हम सभी लिट्टी तैयार कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। भी लोई तैयार कर लिए हैं, इसकी कटोरी बना के आपको दिखा दे रहे हैं कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो बनाते टाइम। ऐसे ही कटोरी तैयार किया जाता है। अगर अपनी आटे अच्छे से मसली हो तो लोई बहुत बढ़िया तैयार हो जाती है, कोई फटने का चांस नहीं रहता है। फिर हम अंगूठों से सत्तू को प्रेस करते हुए और आटे को ज्वाइंट कर लेंगे। ये अच्छे से ज्वाइंट हो जाता है, और इतना ज्वाइंट करना है कि इसका मुंह सील हो जाए। ऊपर जो एक्स्ट्रा आटा बचेगा उसको राउंड करते हुए हम तोड़ लेंगे, तो ये बिल्कुल इसका मुंह खुलने का चांस नहीं रहेगा। और फिर से हम चिकना कर लेंगे। आपको गोल बनाना है तो गोल बनाइए, नहीं तो हल्का सा प्रेस कर दीजिए, आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो चलिए हम सभी लिट्टी तैयार करके आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक बैच अपनी लिट्टी तैयार कर ली है। चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने गैस पे तेल गरम होने के लिए रख लिया है। अब हम उसमें से एक एक लिट्टी लेंगे और धीरे धीरे तेल में ऐसे छोड़ देंगे। यहाँ पे अपनी तेल ज़्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो अब ध्यान रखते हुए धीरे धीरे लिट्टी को तेल में छोड़ दीजिए। एक बैच में जितना आ सके उतना आप डालिए, और एक साइड से हम इसे 2 मिनट तक सिकने के बाद फ्लिप करके आपको दिखाते हैं। 2 मिनट हो चुका है, हम लिट्टी को उलट के आपको दिखाते हैं। आप देखिए एक साइड से कितनी बढ़िया अपनी लिट्टी सिक चुकी है। तो ऐसे हम धीरे धीरे सभी लिट्टी को एक बार उलट लेंगे, और दूसरे साइड से भी हम इसे अच्छे से सेंक लेंगे, यानी कि इसमें अच्छी सी कलर आ जानी चाहिए। ये प्रोसेस हम मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे, तभी अंदर तक अपनी लिट्टी अच्छे से सीख पाएगी। तो हम फिर से लिट्टी को एक बार ऐसे उलट लेंगे। आप देखिए कितनी बढ़िया अपनी लिट्टी का मुंह फट रहा है, यानी कि ये परफेक्ट पहचान है अपनी लिट्टी का। ये लिट्टी तो आपको पता होगा कई तरह से बनाया जाता है। एक तो हम इसे आग पे सेक के बनाते हैं, दूसरा हम इसे उबाल के बनाते हैं, तीसरा हम इस तरह से फ्राई करके बनाते हैं। तो ये लिट्टी की कई तरह से बनाने की तरीका है, पर ये लिट्टी जो ऐसे फट जाए तो समझिए कि अच्छे से पक चुकी है, और इसमें परफेक्ट मोइन है, परफेक्ट सत्तू भरा गया है। तो फिर हम इसे ब्राउन होने दे रहे हैं थोड़ा सा, पर अच्छे से अपनी लिट्टी पक चुकी है। तो हमने यहाँ पे चलाते हुए 15 मिनट तक अपना लिट्टी फ्राई किया है। आप इसकी कलर देखिए, इसकी मुंह का खुलना देखिए, यही परफेक्ट हमारी फ्राई लिट्टी की पहचान है। तो यहाँ पे हम चम्मच पे इसका एक्स्ट्रा तेल गिलाते हुए और एक प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे हम लिट्टी को झरने में उठाएंगे और एक्स्ट्रा तेल गिरा देंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स कितनी बढ़िया अपनी लिट्टी तैयार हुई है, आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए हम इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखा देते हैं।
तो फ्रेंड्स, हमने अपनी लिट्टी को दही के साथ सर्व किया है क्योंकि हम जो फ्राई लिट्टी बनाते हैं वो दही के साथ बहुत ही जायकेदार लगता है, और जो आग वाली बनाते हैं उसको हम चोखा के साथ सर्व करते हैं। तो आप अपने पसंद के अनुसार खाइए फ्रेंड्स, ये लिट्टी बहुत टेस्टी होता है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।